भारत में अमीरी और गरीबी के बीच की खाई तेजी से बढ़ रही है। इसी का नतीजा है कि भारत के टॉप 9 अमीरों की दौलत देश की आधी आबादी की संपत्ति के बराबर हो गई है। ये बात हम नहीं बल्कि गरीबी के मुद्दे को उठाने वाले अंतर्राष्ट्रीय संगठन ऑक्सफैम की रिपोर्ट कह रही है। इस रिपोर्ट में आर्थिक असमानता को दिखाने वाले और भी कई ऐसे आंकड़े हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। ऑक्सफैम की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2018 में देश के टॉप 1% अमीरों की संपत्ति में 39% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि देश की 50% गरीब आबादी की संपत्ति में महज 3% की बढ़ोतरी हुई है। भारत में बिलियनियर्स की संपत्ति में पिछले साल हर दिन 2200 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है। ऑक्सफैम के मुताबिक 13.6 करोड़ भारतीय साल 2004 से कर्जे में डूबे हैं। ये लोग देश की सबसे गरीब 10% आबादी का हिस्सा हैं। भारत में आबादी के 10% हिस्से के पास देश में कुल संपत्ति का 77.4% हिस्सा है। 1% अमीर आबादी के पास देश में कुल संपत्ति का 51.53% हिस्सा है, जबकि 60% आबादी ऐसी है जिसके पास नेशनल वेल्थ का सिर्फ 4.8% हिस्सा ही है। भारत में पिछले साल 18 नए बिलियनियर बने। इससे भारत में बिलियनियर्स की कुल संख्या 119 हो गई है। इन बिलियनियर्स की कुल संपत्ति ने 28 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है और ऐसा पहली बार हुआ है। ऑक्सफैम इंटरनेशनल की कार्यकारी निदेशक विनी ब्यानेमा ने कहा कि भारत में जहां गरीब 2 जून की रोटी और बच्चों की दवाओं के लिए जूझ रहे हैं, वहीं अमीरों की संपत्ति लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा, अगर टॉप 1% अमीरों और देश के अन्य लोगों की संपत्ति में ये अंतर बढ़ता गया तो इससे देश की सामाजिक और लोकतांत्रिक व्यवस्था पूरी तरह चरमरा जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक अमीर परिवारों के बच्चों की तुलना में गरीब परिवारों के बच्चों के उनके पहले जन्मदिन से पहले ही मौत की आशंका 3 गुनी ज्यादा है। ऑक्सफैम ने बताया कि अगर भारत सरकार टॉप 1% अमीरों से उनकी संपत्ति पर 0.5% ज्यादा टैक्स लेती है तो इससे उसके पास इतना पैसा जमा हो जाएगा कि वो हेल्थ सेक्टर में अपने खर्च को 50% बढ़ा सकती है।